हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों, अभी तक आपने कृषि दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। दोस्तों, 3 मार्च 2023 वार शुक्रवार, सबसे पहले चर्चा करेंगे वायदा बाजारों की। तो केएलसी में तेजी रही, 4352 रिंगट के ऊपर केएलसी बंद होती हुई नजर आई। सी बोर्ड में देर रात पॉजिटिविटी रही, अभी हल्की सी नेगेटिविटी के साथ सी बोर्ड कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा बात करें भारतीय वायदा बाजारों की, तो ग्वार गम और बिनौला स्टेबल रहे हैं। वहीं हल्दी और धनिया में गिरावट देखने को मिली, हल्की सी नरमी कैस्टर सीड में देखने को मिली। आप स्टेबल ही मान के चले कैस्टर सीड को भी, वहीं 0.5% के आसपास की तेजी आज जीरे में देखने को मिली है। अब बाजारों की चर्चा कर लेते हैं सरसों के कारोबार की। आज सरसों की आवक पूरे भारतवर्ष में 11.5 लाख बैग की रही। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के उलट भारतीय बाजारों में गिरावट देखने को मिली। बाजार 75 से 100 रुपए के आसपास डाउन होते हुए नजर आए। आज 75 से 100 रुपए की गिरावट देखने को मिली। जयपुर कल जो 56 57 25 57 50 थी, अभी 56 75 के आसपास कामकाज करती हुई नजर आ रही है। टोंक निवाई मालपुरा की जहां तक बात करें, मील डिलीवरी 42 कंडीशन के भाव 55 75 तक कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली मंडी, दिल्ली 5600 के ऊपर कामकाज कर रही है। अलवर सुबह 5400, खेरली अलवर बड़ौदा में ये 5400 5450 के ऊपर कामकाज करती हुई नजर आई। वहीं खैरतल मंडी अब 5370, भरतपुर पुरानी सरसों 5300, नई सरसों 5250 के ऊपर कामकाज कर रही है। उसके अलावा यदि हम बात करें दादरी मंडी 5500, भिवानी मंडी 5425 और रेवाड़ी मंडी 5540 कंडीशन लैब के भाव रहते हुए नजर आए हैं। तो ये प्रमुख मंडियों के भाव रहे हैं। वहीं प्लांटों के भाव की बात करें नई सरसों में, तो 5800 है बीपी, 6050 है अडानी आगरा वाला, 6100 है अलवर वाला और 5875 है कोटा वाला। नई सरसों के भाव है गोयल कोटा 5575, नई पुरानी दोनों के हैं। वहीं जहां तक अडानी प्लांट के भाव की बात करें, तो अडानी अलवर 5550 और अडानी बूंदी 5480, ये आज प्लांटों के भाव रहे हैं। अब बात करते हैं नरमा के कारोबार की। तो नरमा में स्टेबिलिटी देखने को मिली। आज आवक 1,55,000 गांठ के आसपास, 50,000 गांठ के आसपास पूरे भारतवर्ष में रही और नरमा रुई के बाजार स्टेबल खुले। कल शाम के मुकाबले 35-40 रुपए जरूर नरमी थी, कल सुबह के मुकाबले स्टेबल रहे। आज भी बाजार सीड में मुख्य रूप से गिरावट रही, तो आज वायदा बाजार में बिनौड़ा खड़ में स्टेबिलिटी देखने को मिली। प्रमुख वजह आवकों का न होना है। अभी भी वायर बिनौड़ा का वेट एंड वॉच सिचुएशन में है कि भाई होली के बाद आवके 2 लाख के आसपास जाएगी, तो उस स्थिति में कुछ सोचा जाएगा। ये आगे चल के स्थिति और भी देखने वाली रहेगी कि आवकों का ट्रेंड किस हिसाब से रहता है। बाकी 2 लाख गांठ की आवके कोई एक आधे दिन तो मर सकती है छुट्टी उट्टी की वजह से। जैसे अगले सप्ताह में रविवार है, फिर सोमवार कामकाज होगा, मंगलवार की होली है, बुधवार की धुलंडी है, तो उसके बीच में कुछ हो सकता है कुछ आवके मने उसके बाद जैसे ही मंडी खुले। बाकी ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि आवके आएंगे, क्योंकि प्रोडक्शन के नंबरों में अभी भी पोल है और प्रोडक्शन कम है ग्राउंड लेवल पर। तो ये एक स्थिति बाजारों में पशु पेश की मनी रहेगी। वहीं भाव की चर्चा कर लेते हैं। आदमपुर 8070, बरवाला 8050, इलाहाबाद 7878, विजयनगर 7955, सॉरी अब हनुमानगढ़ 8126, श्रीगंगानगर 8152, श्री विजयनगर 8081, फतेहाबाद 7920, अबोर 7835 और खैरतल मंडी 7850 रुपए के ऊपर कामकाज करती हुई नजर आई। तो ये प्रमुख मंडियों के आज के भाव रहे हैं। तो ये कामकाज आज के दिन मंडियों में होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं गेहूं के बाजार स्टेबिलिटी के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो कल भी आपको बताया था मसालों में एक बड़ी गिरावट मन सकती है, तो उसका असर भी आज देखने को मिला। यहाँ से चल के जो वायदा बाजार जो NCDX दिख रहा है वो बहुत ही खराब दिख रहा है। अगले सप्ताह में कुछ एक छुट्टियां हैं, उसके बाद इसमें देखना किस प्रकार से कामकाज रहता है। बाकी सोमवार को हो सकता है कुछ एक वायदा बाजार ऊपर खुले, उसके बाद इसकी पिटाई सोमवार को दिन में अच्छी खासी हो जानी चाहिए। मसालों में कंटिन्यू डाउन ट्रेंड है, ना हल्दी और ना धनिया में किसी भी प्रकार का अभी फिलहाल दम नजर नहीं आ रहा है। जहां तक धनिया के फंडामेंटल की बात करें, तो धनिया अभी 7000 से नीचे है। टेक्निकल तौर पर ये 6400 से 6500 के आसपास इसका सपोर्ट लेवल है। नंबर दूसरी बात, इसके फंडामेंटल की बात करें तो इसकी तापमान बढ़ने से इसकी क्वालिटी पर असर पड़ा है राजस्थान और मध्य प्रदेश की धनिया पर। वहीं गुजरात की तो टॉप क्वालिटी आ ही रही है कंटिन्यू। अब एक्सपोर्ट पैरिटी में आता हुआ नजर आ रहा है। बड़े पैमाने पर धनिया का एक्सपोर्ट भारत चीन करने जा रहा है, पर बहुत ही अच्छी और बड़ी फसल होने के कारण वायदा बाजार लगातार बिकवाड़ी का शिकार है। हर एक राइज इसमें अभी वायदा के हिसाब से
बिकवाली का है, 6400 से 6500 के आसपास यदि कोई खरीदारी आती है तो ठीक है, नहीं फिर इसमें एक बड़ी गिरावट की ओर भी यहां से इशारा निकलता हुआ चला जाएगा। तो जय हिंद, जय जवान, जय किसान।